हेलो गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टॉप रिफ्लेक्ट एंड गो आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सीक्रेट नंबर थ्री सीक्रेट नंबर थ्री में दो टूल्स की बात कर रहे हैं टूल नंबर वन की वर्ड्स अब हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ठीक है जो भी इनका थ्यूरी पार्ट होता है द बेस्ट वे टू मेक देम लर्न इज कितना भी बड़ा स्टडी मटेरियल है वन पेज टू पेज दैट वन पेज इज़ ऑबियसली दे आर डिवाइडेड इन टू पैराग्राफ्स एंड वी कैन टीच आर किड्स टू जस्ट पिक वन की वर्ड फ्रॉम ईच पैराग्राफ और जितने भी पैराग्राफ हैं हर एक पैराग्राफ में से की वर्ड आप सेपरेट कर लें उन की वर्ड्स को रिमेंबर करें मेमोराइज करें एंड देन यू कैन राइट डाउन वी नो दीज टेक्निक्स हमें पता है ये टेक्निक्स हम यूज़ करते थे अपने टाइम पे पर जब हम पढ़ते थे बट येस yes, हम आ, कभी कभी ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये बच्चों को पता होगी बट नहीं वी नीड टू टेल दैम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉर्निंग वॉक का आपका एस है उसमें पांच वो हैं पैराग्राफ्स हैं तो उसको डिवाइड कर लो उसके कीवर्ड्स देख लो पैराग्राफ नंबर वन टाइम पैराग्राफ नंबर टू गुड हेल्थ पैराग्राफ नंबर थ्री बेनिफिट्स ठीक है आ, उसके डिजीजेस देन एंड में रिलैक्सेशन तो ये जो एक कीवर्ड आपने पकड़ लिया उसके हिस, उसके फिर आ, बेसिस पे यू क्रिएट द होल पैराग्राफ टूल नंबर टू इज़ रबर बैंड थ्योरी रबर बैंड थ्योरी क्या है बचपन में सीखा था कि रेनबो के कलर्स कैसे होते हैं तो क्या याद है हमें विप गायर वेबगैर से हमें फिर उसके सारे कलर्स याद आए ऐसे ही बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आ, अगर सेल डिविजन की स्टेजेस लर्न करनी है तो एक सिंपल एक्रोनिम जैसे इवान परचेस्ड अ मैट दैट इज आई फॉर इंटरफेस पी फॉर प्रोफेस ठीक है मेटाफेस एनाफेस एंड टेलीफेस तो किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए मेक एन एक्रोनिम अगर आप एक मूवी देखते हो अगर उसके सीन्स आपको भूलते नहीं हैं तो जो आप पढ़ते हो तो ये आप एक्सक्यूज़ नहीं लगा सकते कि आपकी मेमोरी ख़राब है अगर मेमोरी खराब होती तो फिर वो आपको मूवी भी भूलनी चाहिए ऐसे ही किसी केमिस्ट्री के बच्चे को नोबल गैसेस रिमेंबर करनी है तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि ही मैन रैन टू क्रश हाउस एंड नियरली किल्ड हिम विद एन एक्स तो अपना एक्रॉनिम बनाया है, ठीक है तो दैट स्टैंड फॉर हीलियम रेडॉन क्रिप्टॉन नियॉन आरगोन एंड जी ऑन उसमें एक अपना इक्रॉनमिक तो आप अपना इंटरेस्ट एरिया देख लो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका कोई एक बना लो और वो चीजें आपको याद रहेंगी तो ये छोटे छोटे ट्रिप्स हैं वी कैन टेल एंड येस एज अ पेरेंट्स यू कैन सी द डिफरेंस कि इफ यू विल टेल दीज टूल्स एंड टेक्निक्स टू योर किड योर किड्स विल easily remember what they are learning thank you for watching this please do tell me a video casey leggy and if you have not subscribed to my channel please subscribe to my channel and tomorrow we will take secret number 4 thank you